SRH वर्सेज RR, राजस्थान रॉयल्स वर्सेज सनराइज़ हैदराबाद के बीच मैच नंबर 4 जो कि 3:30 से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि क्रिकेट के सारे अपडेट और ड्रीम इलेवन टीम आपको हर दिन मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और मैं बता दूँ आपको कि WPL हो चाहे IPL हो, मैंने जितने भी प्रोडक्शन किया है ड्रीम इलेवन टीम प्रोवाइड किया है, चाहे कैप्टन VC हो, लोग हर दिन लाखों हजारों विन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट, मोस्ट कैप्टन VC, प्लेयर एनालिसिस और लास्ट में ड्रीम इलेवन टीम। दोस्तों, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको फुल जानकारी मिल पाएगी, ड्रीम इलेवन टीम मिल पाएगी। और हाँ, 49 लगाकर 49 की मत सोचिए, अलग सोचिएगा तभी जीत पाइएगा, अन्यथा 49 लगाइए 49 आ गया, अरे यार ऐसा मत सोचिए, अलग सोचिएगा तभी जाके जीत पाएगा। तो सबसे पहले हम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की जो पिच है वह तेज़ गेंदबाजों के लिए काफ़ी अच्छा मददगार मिलती है और बल्लेबाजी के लिए कुछ सूझबूझ कर बल्लेबाजी करना पड़ेगा यहाँ पर, चूँकि इस पिच पर उछाल के साथ साथ स्विमिंग देखने को मिलेगा। बल्लेबाजों की शुरुआती दौड़ में जो कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, वहीं स्पिनर गेंदबाजों को जो कि 8-10 ओवर के बाद जो कि पिच जब धीमे हो जाएगी उसके बाद काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा, लेकिन बाद में पेसर को भी मिलेगा, जो मीडियम पेसर हो को उनको भी काफ़ी अच्छा सेकेंड इनिंग में मिलेगा। तो अपने टीम में 2-4 स्पिनर्स और 2-4 फास्टर जरूर रखिएगा तेज गेंदबाज। सबसे पहले हम SRA की और टीम की इस स्टेडियम पर बात करें तो दोस्तों, यह SRA की जो है कि यहाँ पे 5 मैच खेली हुई है और 1 मैच विन की हुई है और एवरेज स्कोर यहाँ पे हाईएस्ट जो है कि 193 है और 4 मैच SRH हार चुका है और लोएस्ट एवरेज स्कोर की मैं बात करूँ तो 123 रन लोएस्ट स्कोर है। वहीं अगर RR की मैं बात करूँ राजस्थान रॉयल्स की, तो 3 मैच जीता हुआ है इस ग्राउंड पर और 2 मैच हार चुका है। तो एक लिखा से देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की जो है कि इस स्टेडियम पर यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अपने टीम में अगर राजस्थान पहले जीतती है टॉस तो बैटिंग करने का निर्णय लेगी चाहे फील्डिंग करने का निर्णय लेगी, लेकिन यहाँ पर है कि तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी अच्छी मदद मिल रही है। तो अब हम राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो दोस्त जोस बटलर ओपनिंग करने आते हैं, उसके साथ आते हैं देवदत्त पार्टिकल्स, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसंग टीम की कैप्टन से, हेटमेयर से रियान पराग है, अश्विन है, चहल है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ट्रेट बोल्ट है, होल्डर है और जैम्पा है। तो अगर हम आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट से RR की तरफ से कैप्टन की बात करूँ तो जोस बटलर को अपनी टीम में कैप्टन और VC बना लीजिएगा। अश्विन, संजू सैमसंग और देवदत्त पार्टिकल, इन तीनों में से किसी एक को अपने टीम में कैप्टन और VC बना सकते हैं। होल्डर को रखना है, इसको भी आप कैप्टन और VC बना सकते हैं। तो ये जो है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट RR की तरफ से कैप्टन, VC और प्लेइंग इलेवन की मैंने बात कर दी। अब हम SRH की टीम की बात करते हैं तो राहुल त्रिपाठी और एडन मकड़न जो कि ओपनिंग करने आते हैं, केन विलियमसन है, निकलस पूरन है, अभिषेक शर्मा है, शाई फोर्ड है, वॉशिंगटन सुंदर है, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक है, ट्यून नटराजन है, मयंक अग्रवाल है और आदिल राशि जो कि लेग ब्रेकर है। अब हम SRH की टीम की तरफ से मोस्ट कैप्टन और VC की बात करें तो एडन मकड़म और राहुल त्रिपाठी, इन दोनों में से किसी एक को बना लीजिएगा। अभिषेक शर्मा और निकलस पूरन, इनमें से अभिषेक शर्मा को आप कैप्टन और VC बना सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, इनमें से उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार को कैप्टन और VC अपने टीम में बना लीजिएगा, क्योंकि फास्टर गेंदबाज है, पेशर है, विकेट ज़्यादा लेने का चांस इनको रहेगा। तो ये जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट SRH टीम की कैप्टन VC, प्लेइंग इलेवन और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रीम इलेवन टीम, विनिंग टीम जो कि इस प्रकार है। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के सारे अपडेट और ड्रीम इलेवन टीम आपको हर दिन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो ये है जो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट विनिंग ड्रीम इलेवन टीम।